आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे एंड इस सीरीज में। इस सीरीज में हम पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे हाउ टू बिकम अ अल्फा मैन। हम ये जान लेते हैं कि अल्फा मैन होता कौन है। अल्फा मैन अगर आपका कोई फेवरेट स्टार, आपका कोई फेवरेट लीडर या आपका कोई फेवरेट पर्सनैलिटी है, उसमें ये सब क्वालिटीज होते हैं, लीडरशिप, इन्फ्लुएंस करना, दूसरे को कन्वेंस करना, पब्लिक स्पीकिंग या फिर अपनी अथॉरिटी क्रिएट करना। ये सभी बातें होते हैं जो एक मैन को एक अल्फा मैन में क्रिएट करता है। अल्फा मैन एक पर्सनैलिटी होता है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई बचपन से ही अल्फा होता है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके ये सब क्वालिटीज़ बचपन से होगी। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट को पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, बट उन्होंने इसे इम्प्रूव किया क्योंकि उन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया था जिसे वो अपने इंटरव्यूज में बताते हैं। मैं ये हर कोई परफेक्ट नहीं होते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, राइट? तो ऐसे कोई ना कोई क्वालिटीज होगी जो हमारे अंदर मिसिंग होगी जिसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अल्फा मैन भी एक पर्सनैलिटी है जिसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम कुछ प्रिंसिपल्स को देखेंगे जिससे कि हम एक अल्फा मैन बन सकें। सो नंबर वन प्रिंसिपल है टेक लीड एंड चार्ज। अगर आपको अपने टीचर से बात करना है, किसी लड़की से बात करना है या किसी ऐसे पर्सन से बात करना है जिसे आप बात करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको टेक चार्ज एंड लीड लेना पड़ेगा। एक लीडर में सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो पाथ बनाता है एंड सब उसे फॉलो करते हैं, एंड ये क्वालिटी आपको सबसे अलग कर देगा। अगर आप उस सिचुएशन में अगर आप उसे लीड करते हो, ज़्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं कि कोई उन्हें लीड करे एंड वो उन्हें फॉलो करे। अल्फा मैन प्रिंसिपल नंबर टू है डेवलपिंग अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। अल्फा मैन में सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटीज में से एक होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपका कोई भी जितना ज़्यादा अगर कॉन्फिडेंस लेवल हमारा ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ एवरीथिंग। तो इसे डेवलप करने के लिए कुछ पॉइंट, तो इसे कैसे डेवलप करें इसके लिए मैं कुछ आपको पॉइंट शेयर करता हूँ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपना रोल मॉडल फाइंड करना है। सबसे पहले आपको अपने रोल मॉडल के कई सारे इंटरव्यूज देख सकते हो जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे वो हार्ड टाइम में कैसे उसे स्विच करते हैं। ये सुनने में तो बहुत कॉमन से लग रहा है, बट अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। द अल्फा मैन प्रिंसिपल नंबर थ्री, एक्ट पावरफुली एंड मस्कुलन बॉडी लैंग्वेज। एक हम किसी भी पर्सन को उसके बॉडी लैंग्वेज से भी जज करने लगते हैं। हम किसी भी पर्सन को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हम उसके बॉडी लैंग्वेज से ही उसे कई बार उसे जज करते हैं या एस्टिमेट करने लगते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जिसे हर किसी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं एक बुक रिकमेंड करूँगा आपको कि आप इसके लिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड करूँगा, व्हाट एवरीबॉडी से बाय जो नेवाडो। ये बहुत एक अच्छी बुक है। इस बुक के जो ऑथर है वो एक्स एफबीआई एजेंट जो नेवाडो है। ऐसे बुक है जो आपके बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड मैं इसे क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जो इस बुक के ऑथर हैं वो खुद एक एक्स एफबीआई एजेंट रह चुके हैं। कैसे हम ह्यूमन के बॉडी लैंग्वेज से उनके बारे में जज करने लगते हैं एंड कैसे हम उससे उनके पर्सनैलिटी के बारे में पता कर सकते हैं, इसके लिए भी एक पॉइंट ले लेते हैं। तब तक आप ये कर सकते हो कि आप किसी ऐसे अथॉरिटी को देख सकते हो, जैसे कि जेम्स बॉन्ड की मूवी, या फिर मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आपको जो भी आपका फेवरेट एक्टर है उसकी जो इंटरव्यूज हो सकते हैं या उसकी मूवीज़ के उनके इंटरव्यूज़ या फिर मूवीज़ या कोई भी ऐसे क्लिप्स देख सकते हो जिससे कि आप उनका बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने लगो कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कैसे बात करते हैं, कैसे वो अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो अल्फा मेल प्रिंसिपल नंबर फाइव है लिफ्ट एंड ड्रेस वेल। अगर आपका कोई भी फेवरेट एक्टर होगा या फिर कोई अगर आपका कोई भी फेवरेट बॉडी बिल्डर होगा या फिर एक्टर होगा, तो उसमें आपको दो कॉमन बात उनमें ज़रूर देखने को मिला होगा। एक तो होगा वेल ड्रेस एंड दूसरा होगा वर्कआउट। वर्कआउट आप अपने घर में भी कर सकते हो, बट
बट अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको मस्कुलर होना है या फिर अपने बॉडी में ज़्यादा मसल्स गेन करना है, तो आप कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर आपको अपने बॉडी में मसल मास इंक्रीज करना है तो। आपने अभी लीड करना सीख लिया, आपने अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लिया एंड आपका बॉडी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होने लगा, तो इसके बाद ये पॉइंट आपके काम आएगा कि आपको अब अपने जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसे और मस्कुलर करना है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप वर्कआउट करते हो या फिर बाद आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट आने लगेगा, जिससे कि आप 10 टाइम मोर पावरफुल एंड 10 टाइम मोर कॉन्फिडेंट, आप 10 टाइम मोर ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे, जिससे कि आप 10 टाइम मोर अट्रैक्टिव दिखोगे एंड ऑलमोस्ट सभी जो अल्फा मेन्स होते हैं वो वेल ड्रेस्ड होते हैं। तो अल्फा मैन प्रिंसिपल नंबर 7 है, बी मिस्टीरियस एंड अनप्रिडिक्टेबल। सो हमेशा अगर किसी चीज में आप डिसअग्री रहते हो तो डोंट अफ्रेड टू बी डिसअग्री। किसी भी सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है तो आपको डिसअग्री कर देना चाहिए। हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, हमेशा कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, कोई भी आपको प्रिडिक्ट कर सकता है। या फिर तो अगर आपको किसी भी सिचुएशन में ऐसा लगे कि ये गलत हो रहा है तो आपको अनप्रिडिक्टेबल होना है, आपको उस टाइम में क्लियर कर देना है कि मुझे ये पॉइंट ठीक नहीं लगा। एक अल्फा मैन हमेशा एक अनप्रिडिक्टेबल होता है। इससे ये बेनिफिट होता है कि कोई भी आदमी अगर आपसे गलत बात करने लगे तो वो बोलने से पहले ही 10 बार सोचने लगता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको अपना पूरा जर्नी या पूरा सीक्रेट किसी को रिवील नहीं करना चाहिए। बी मिस्टीरियस, आप ये कर सकते हो कि आप दूसरे के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो, उनसे बात करो, उनके बारे में पूछो। यह हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे कैसे इसे कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए एंड कैसे यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए या फिर कैसे एक गुड कम्युनिकेटर बना जाए जिसके वजह से सब आपको लाइक करना स्टार्ट कर देंगे। एंड रिमेंबर, लेस इज मोर, जितना आप अपने बारे में कम रिवील करोगे उतना ज़्यादा आप मिस्टीरियस होगे एंड उतने ज़्यादा आप वैल्यूएबल भी होगे। अगर कोई पॉइंट इसमें बचा होगा तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड मुझसे जो भी अगर इस वीडियो में पॉइंट छूटा होगा तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो भी आपके नाम के साथ, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप इस सीरीज़ में बने रहें एंड हमारे फ्यूचर वीडियोस को आप मिस ना करें। ये सब पॉइंट मैंने आपको एक बुक अल्फा मैन बाय डोमिनिक मान, ये बुक बेसिकली उन लोगों के लिए है जो डेटिंग करना चाहते हैं, बट इसमें से भी मैंने अपने काम के जितने भी पॉइंट थे उसे एक्सट्रैक्ट करके आपको बताया है। अगर आपका मन है तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।